अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। मुझे तो राज सभा ने बताया आपने जबरदस्त काम किया पप्पू, बस उन मां बेटे का मुंह की खा कर जाना मिस कर गया, इस बात का अफसोस है, लेकिन आपने वेल डन कर दिया, गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा। माशाल्लाह मेरी बच्ची के तो भाग खुल गए। हाँ, नरमीन को बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। भाई बहुत से लोगों की नजरें थी फराज पर, लेकिन मैंने भी दिल में ठान ली थी। हाँ, इतने जबरदस्त गिफ्ट्स भेजे, तुम देखोगी ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि कितने चाव और कितनी मोहब्बत से रिश्ता दिया है उन्होंने। चलो ठीक है, ओके। वाओ प्रिटी, कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारे हाथ पर बहुत सजेगा। मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या मतलब, ये सारे गिफ्ट्स तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे? मतलब कि जिसने भेजा है मुझे वो नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तो कौन अच्छा लगता है तुम्हें? आप नहीं जानती कि मुझे कौन पसंद है, सनान और कौन? सनान, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? वो पूरी दुनिया से अलग है अम्मी, उसकी पर्सनालिटी, उसके लुक्स। और जब वो चलता है? हाँ? काश कि वो सब हुआ ही ना होता, काश कि वो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ होता अम्मी। ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दी कर दी रिश्ता खत्म करने में? मुझे लगता है कि मैं उसे कायल कर ली थी ऑपरेशन के लिए, मुझे बात करनी चाहिए थी। और क्या गारंटी थी कि ऑपरेशन कामयाब हो जाता? वैसे भी असल बात कुछ और है। क्या बात है? है कुछ, हर बात तुमसे डिस्कस नहीं कर सकती। ऐसी क्या बात है अम्मी जो आप मुझसे डिस्कस नहीं करना चाहती? क्या बात है मुझे बताएं, मुझे क्यों नहीं बता रही आप? मैं जानना चाहती हूं, बोले। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप कुछ करें, आप सनान की बात तय करें फौरन, अभी के अभी। इतनी जल्दी क्यों? अगले हफ्ते नरमीन की मंगनी हो रही है, मिल गया उन दोनों माँ बेटी को कोई गधा, और बस मैंने अहद कर लिया कि उससे पहले अपने भाई की बात तय होने की मिठाई भिजवा दूंगी, कैसा? बात तय करने के लिए कोई लड़की भी दरकार होती है। तो वो है ना, वो सनान की क्लास फेलो,
जब आप दोनों को पसंद है तो फिर मेरा एतराज क्या मायने रखता है? उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? मगर आप तो बता रही थी कि उसके मामू आए थे और हामी भर के गए हैं। हाँ, लेकिन उसकी अम्मी को कुछ एतराजात थे तो वो नहीं माने। ये क्या बात हुई? अगर इतना एतराज था तो फिर अपने भाई को यहाँ आने से रोकती, और आप लोग तो कल उनके घर मेहंदी पे भी गए थे। वहीं पता चला हमें। ये क्या तरीका हुआ? शरीफों की तो बस जुबान होती है। आप जाके पकड़े उनके मामू को। क्या पकड़े? शिजरत का फोन। हेलो। हेलो सिनार। शिजरत तुम? सिनार तुम आ जाओगे? आने का दरवाजा तो बंद कर दिया तुम्हारी अम्मी ने। बंद दरवाजों पे तो दस्तक दी जाती है सिनार। तुम रो रही हो? क्या तुम नहीं रो रहे हो? मैं तुम्हारी अम्मी का एतराज दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं ऑपरेशन करवा लूंगा। सनान तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हें इसी हाल में चाहे सनान। तो प्लीज रो तो मत। तुम आओगे ना? तुम क्या चाहती हो? आओ। मैं इंतजार करूंगी। शिजरत बेटा जल्दी आओ, सब निकल गए हैं। अच्छा सना, मैं फोन रख रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आना। हाँ मैं आ रहा हूँ। अम्मी तैयारी करें, वक्त कम है, हमें शादी में जाना। शादी में जाने? तुम्हारी शिजरत से बात हो रही थी? मैं भी साथ चलूंगी। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था कि सर पे पट्टी बंधवाई और हाय हाय करते हुए आ गए। रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी उसके। तो अपने मामू को नहीं देखा तुमने? सारी जिंदगी दुनिया जहान के बच्चों पर अपना प्यार लुटाते रहे। इसी बात पर उबैद ने मेरा साथ दिया रिश्ता तोड़ने पर, वरना तुम्हें तो पता है कि वो सुमैया की मर्जी के खिलाफ इतने आराम से नहीं जाता। क्या पूरे मुतमईन होके कह रही हैं या बस ऐसे? बस ऐसे ही एक फहम सा आ गया है मेरे दिल में। बात खत्म। नहीं, लेकिन मामू तो बता रहे थे कि सुमैया मामी और उनकी अम्मी मिलकर रिश्ता ढूंढ रही हैं, बल्कि कोई रिश्ता मिल भी गया है। हाँ तो ढूंढ लें, मिल जाएगी कोई अपने जैसी। वो कहानी सुनी है ना तुमने, अंधे और लंगड़े वाली? अंधा लंगड़े का हाथ थाम कर चलता था और लंगड़ा उसे रास्ता बताता था। तो मिल जाएगी उसे अपने जैसी कोई अंधी बंधी।
चलो चलो। भाभी ये कितने सारे पैसे, जितने मांगे उतने दिए खालदा आंटी ने, इसमें मेरे भी है ना? ये तुम्हारे, मेरे और शिजरत और थोड़े थोड़े इन सब के भी। ते सारे पैसे मैं इन सब पर करूंगी क्या? इतने अभी दूध पिलाई और जूता छुपाई की रस्म बाकी है। वाह, उसमें और मजा आएगा। हाँ चलो गिनते हैं। गिनते हैं। वो सिनान वाले आएंगे? पता नहीं क्यों, जिस तरह का कल पुप्पो ने सलूक किया है, इतनी बेइज्जती के बाद आना तो नहीं चाहिए उन्हें। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि उनके आने से तुम खफा हो रही हो? एक, ये दो। क्या तुम लोग फकीरों की तरह पैसे गिन रहे हो? पहले कभी पैसे नहीं देखे? जाओ यहाँ से। तुम क्या साथ दे रही हो उसका? अरे क्या हो गया आफाक मियाँ, अरे क्या नीम के पत्ते चबा कर आ गए हो? ये लड़कियों की खुशी होती है ये तो। ताई जान कैसी हैं आप? आए बैठे 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 बैठे। सुनाए क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। देखो भाई तुम बच्चे हो हमारे, हम तो इसलिए सारी बातें करते हैं। पर बीबी तुम कब तक यूँ छड़ी छाट घूमती रहोगी हैं? अरे तुम्हारे साथ वालों के तो बच्चे स्कूल जाने लगे। ताई जान भी तो हमारे हंसने खेलने के दिन है, हो जाएगा ये भी। आई तो किसने मना किया हंसने खेलने को? भाई हंसी खेल में अगर दो चार बच्चे भी शामिल हो जाएं तो हंसी खेल का तो मजा ही आ जाएगा, हैं? तुम्हारे साथ वालों ने पूरी पूरी टीमें तैयार कर ली। भाई जान आप भी कहां की बात शुरू करके कहां खत्म कर देती है। हाय बेवकूफ, तुम क्यों दांत निकाल रही हो? ये जो मर्द होते हैं ना, दूसरी शादी के बहाने ढूंढते हैं, किसी वक्त भी दूसरी शादी करके ले आएगा और सब इसी की तरफदारी करेंगे कि भाई क्या करें, औलाद के खातिर दूसरी शादी कर ली, फिर सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। चाय दे दी आपने वैसे ताईजान, मेरा तो ज़हन ही नहीं गया इस तरफ। गुड, देखा दूसरी के नाम पे कैसी बातें खिलने लगी। तुम लिखवा लो मुझसे, अरे आज ना सही, ये दो चार साल बाद दूसरी करके ले आएगा। आप बेफिक्र रहे ताई, ये दूसरी शादी नहीं करेंगे। अरे बस रहने दो बीबी, सारी ऐसी ही कहती है, पता तो जब चलता है जब दूसरी सामने लाके खड़ी कर देते हैं, और खाली बीवी खड़ी नहीं करते बल्कि दूसरी बीवी के साथ साथ चार चार बच्चे भी खड़े होते हैं, और अरे शादी करने के बाद दस दस साल तक छुपाए रखते हैं। आप ठीक कह रही हैं ताई, होता है ऐसे, लेकिन ये नहीं करेंगे, लिखवा लें आप मुझसे। अच्छा भाई तुम में कैसे सुर्ख आपके पड़ लगे बीबी? मुझ में तो नहीं लगे वे, लेकिन इनके शायद झड़ गए। आओ जरा मिलवाना है किसी से तुम्हें, चलो। हाय बीबी, तुम्हें क्या हो गया? तुमने इस बुढ़ापे में बाल क्यों कटवा लिए? हैं? क्या बकवास कर रही थी? ताई की बातों में हंसते चले जा रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया। अफाक भाई क्या मसला है तुझे? वो आपको अम्मी अम्मी बुला रही है।
बात करने की जरूरत नहीं, समझन शादी का मौका खामोशी। जी भीट लोग हैं ये, इतना बेइज्जत होने के बावजूद आ गए। ये मेरी बेटी की शादी के मौजूद मेहमान हैं, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। सलामिकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामिकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आइए आइए, आ जाइए। सलामिकुम। मैं तो पहले ही नहीं आना चाहती थी, पता नहीं फिर भी आ गई। मैं शिजरत का मामू हूँ। मामू पुकारने में माँ का लफ्ज दो बार आता है, माँ माँ, लेकिन असल माँ तो माँ ही होती है ना। मुझसे बहुत जल्दबाजी हुई, मैं सख्त शर्मसार हूँ। मेरी हाँ वापस कर दो। मुझे माफ कर दे भाई। नहीं मोहसिना, मैंने गलती की है। जितना अच्छा एक माँ अपनी बेटी के लिए सोच सकती है, मामा नहीं सोच सकता। ऐसा मत कहें भाई, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मत करो, क्यों मामला खराब कर रही हो? कुछ खराब नहीं होगा, आप मुझे दुआएं देंगी। ऐसा दिमाग चला है मेरा, खुदा खुदा करके मेरे बच्चे की किस्मत में खुशी आई है। ये फजूल बात करके कहीं ऐसा ना हो कि अब ये फजूल बात नहीं है। अच्छा देखें, मैं उनसे चुपके से बात करूंगी, अगर वो मुझे मना कर देंगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगी। दिल घबरा रहा है खुदा के लिए, पता नहीं अभी जो दिल आपका घबरा रहा है ना, बाद में यही दिल आपका लुडिया डालेगा, देख लीजिएगा। अरे तो पता करो कहाँ है वो। सर पता कर रहा हूँ, थोड़ी देर तो लगेगी। अरे सब मेहमान आ चुके हैं, अब खाने का इंतजाम होना चाहिए ना। जी सर, थोड़ी देर तो लगेगी। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। अंकल मैं चाह रही थी कि जो हम लोगों ने सन्नान और शिजरत की बात पक्की की हुई है, क्यों ना आज उन दोनों को अंगूठी बना दें।
क्या हुआ भाईजान? भाई सुमैया ये कह रही है कि आज इस खुशी के मौके पर इस मौके से फायदा उठाते हुए ये शिजरत को अंगूठी पहनाना चाहते हैं ताकि बात पक्की हो जाए। इसमें बुराई क्या है? जो बात हम कर चुके हैं क्यों ना मौका अच्छा है आप है ना? मोहसिना मेरी जाती राय में भी इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं तो हो जाने दो। जो काम बाद में होना है क्यों ना उसे अभी कर लें। लेकिन भाईजान ने ऐसे अचानक से सब हम लोग एक शादी पर आए हैं भाई, मैं घर जाके आपकी अम्मी से बात करवाता हूँ। हाँ मैं करवाता हूँ, खुदा हाफिज़। इस मौके के लिए किसी शायर ने कुछ नहीं कहा? कहाँ गए वो सारे शेर? कोई और शायर क्यों, इस मौके पर तो मैं खुद पूरा दीवान लिख सकता हूँ। शेली दो, बस एक छोटी सी शर्त है, तुम सामने बैठी रहो, तुम्हें देखता रहूंगा तो शेर कहता रहूंगा। जीनियस, तो पता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो हुआ ना जिसका ना होने का कल ऐलान कर दिया गया था। कल रात एक वक्त ऐसा है जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें वाकई खो दिया शिजरत, और मुझे तो एक पल के लिए भी बदगुमान नहीं। तुम्हारे यकीन पर यकीन आ गया शिजरत, तो फिर मानते हो ना? माजिया थोड़ा सा मुस्कुराओ ना, सामने देखो। मूवी वाले भाई जरा 5 मिनट बाद हैं। अरे शिजरत जी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम ठहरो। मोहसिना ये सिनान की वालदा और बहन कहाँ हैं? आइए बहन आइए। मामू मैं बाद में पिक्चर्स और वीडियोस बना लूंगी, पहले ये दूल्हा दुल्हन बनवा लेना। तुम यहीं रहो अभी। मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? अब आफाक भाई का देख के मूड खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। देखो तुम्हारे ससुर मामा तुम्हारे लिए इंतजार हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठ। खालिद जगह दो थोड़ी सी। अरे हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, उधर हो। आओ बैठो, बैठो बेटा, बैठो तो बैठ जाओ। शिजरत तुम भी बैठो यहाँ। माजिया जगह दो थोड़ी सी। हाँ हाँ इधर हो जाओ, बैठो तो बैठ जाओ यहाँ पर। अब ठीक है बहन, बिस्मिल्लाह कीजिए। वैसे तो हम इस इरादे से बिल्कुल नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर
ये लो भाई, इनमें से जो भी अंगूठी तुम्हें पसंद है मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हें पहना दूं। बाद में तुम्हारी पसंद की अच्छी सी अंगूठी और बनवा दूंगी। अरे शिजरत, पसंद करो ना भाई। जल्दी करो शिजरत, यम्मी की ना फेवरेट रिंग्स हैं, ऐसा ना इनका राधा बदल दे। बिल्कुल भी नहीं, पसंद करो। अरे मूवी वाले भाई कहाँ चले गए? अब आगे बनाओ मूवी। सुन बेटा, आफाक आफाक रुक जाना, क्या कर रहा है? बहन को रुखसत करना है आफाक, समझने की कोशिश करें। यह है ना रुखसत करने के लिए, मेरे ना होने से रुखसत ही रुक तो नहीं जाएगी। बहनों के बहुत हुकूक होते हैं बेटा। इसीलिए इतने फर्ज शनास निकले आप। आफाक, अच्छा चलो अब दोनों उठ जाओ, काफी बहुत ले लिया तुम लोगों ने पहले ही दूल्हा दुल्हन का। प्यारी अंगूठी, इसमें क्या हीरा चढ़ा है? अरे भाई कोई मुझे भी दिखाएगा अंगूठी? लो भला बताओ, अचानक से मंगनी कर बैठे, पहले से बताती तो मैं कोई तोहफा ही ले आती हैं? बस लड़के की बहन ने जिद पकड़ ली कि निशानी रख लेते हैं, बकायदा रस्म तो बाद में करेंगे। लो भला बताओ, हीरे की अंगूठी के बावजूद बकायदा रस्म की ख्वाहिश बाकी है अभी? वैसे है कहाँ लड़का, बुलाओ तो सही, मैं भी तो देखूँ। जी जी बुलाया, बस आता ही होगा। ए लड़की, तू यूं मुंह खोले मंगेतर के सामने खड़ी रहेगी? चल परे हट, यहाँ से अंदर जा। अरे ताईजान, ये दोनों तो इकट्ठे पढ़ते हैं, कैसा पर्दा, कहाँ का पर्दा है? मुझसे ये क्या सुन रही हूँ मैं? मोसना, ये क्या? अरे तुम्हें बेटी इतनी भारी थी?
अस्सलाम वालेकुम जी। हे ऐसे सोने को लगे आग जिससे कटे कान। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है तायमी। बात सुनो, तब होगा ना तब की तब देखी जाएगी। आंखों देखे मक्की कोई नहीं खाता। अच्छा एक बात बताएं, कल को ताया जान की टांग टूट गई तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगी? हाय मैं मर गई, तेरा बेड़ा गरक हो जाए। लो भला बताओ, मोहसना तुम्हारी बेटी तो मुझे कोसने देने लग गई। शिजरत चुप करो। अम्मी प्लीज आप मुझे बात करने दें, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ताई जान। जवाब चाहिए। कोई उम्मीद हो कोई तो। शहबाज बेटा भाई को ले जाओ, उधर जाकर बैठो। मुझको एहसास दो, धड़कने चल रही बाकी सब है रुका, किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा, कैसा अंदाज है कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है हम पे क्यों फर्ज है, खुदा हम पे करम कर दे अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे अता हमको सनम कर दे। मोहसिना ये क्या? अरे तुम्हें बेटी इतनी भारी थी? अरे भाई भाड़ में जा ऐसा सोना जिससे कटे कान। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था यानी। बात सुनो, तब होगा ना तब की तब देखी जाएगी। आंखों देखे मक्की कोई नहीं खाता। सिनान, क्या हुआ सिनान? मेरे साथ क्यों हुआ ये सब? क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरी खातिर उस सर से लड़ पड़ी, मैं उसके काबिल, उसके काबिल नहीं हूँ। नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करो, उसने तुम्हें अपनी खुशी से कबूल किया है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं मेरा बच्चा? मैं ठीक होना चाहता हूँ, मुझे ठीक हो रहा है, ठीक हो जाता हूँ। हाँ मेरा बच्चा जरूर ठीक हो जाओगे, ठीक हो रहा हूँ। हम सुबह ही डॉक्टर के पास जाएंगे, हम सुबह ही डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। माजिया बेटा एक गिलास पानी तो पिला दो। आप किसे आवाज लगा रहे माजिया? आप यहाँ कहाँ? आप दोनों कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। मामू मैं पिला देती हूँ पानी।
अम्मी आपको सर दर्द की दवा दूं? नहीं बेटा, बस जीती रहो। बहुत चालाकी दिखाई आपने तो पप्पू, पहले सबके सामने सख्त एतराज किया फिर मान गई। किसका आइडिया, आपका या आपकी जहीन बेटी का? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सच्ची बातें। आफाक भाई, अम्मी को कुछ मत बोले। खबरदार जो तुम बीच में बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन की रुखसती नहीं कर सका। वजह आप खुद बने, वो तो पलट पलट कर कह रही थी भाई को बुलाओ। बेटा घर आकर हम पर तो गुस्सा निकाल सकते थे, मौका तो निकल गया ना, जिंदगी भर का मला और फिर दुनिया की बातें। कैसी बातें? कम से कम दुनिया वालों को यह तो पता चल गया मैं इस बगैरती का हिस्सा नहीं हूं। चुप हो जाओ आफाक, खुदा के लिए। तुम्हें जैसे लोग होते होंगे जिनकी वजह से लड़कियां घरों से भागती हैं। से चुका।